बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकील और आप देख रहे हैं परफेक्ट प्रेसर ऑफिशियल चैनल, क्योंकि परफेक्ट ही बनाएगा आपके रेफ्रिजरेटर को लाइफ टाइम परफेक्ट। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डेनफॉस कंप्रेसर की कैपेसिटी के बारे में कि इसकी जो सीरियल नंबर होता है उसके हिसाब से ये कितने बटा का कंप्रेसर है। तो इसमें ये है डेनफॉस का कंप्रेसर एफर मॉडल, और इसमें तीन मॉडल आते हैं, एफर मॉडल, एनएल मॉडल और टीएल मॉडल। ये डेनफॉस में तीन मॉडल हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा एफर मॉडल के बारे में कि इसमें कौन कौन सा सीरियल नंबर आता है और सीरियल नंबर के हिसाब से कंप्रेसर कितने बटा का है। 1/5 का सीरियल नंबर कौन सा है और 1/4 का, 1/3 का, 1/6 का। तो इस तरह से मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि सीरियल नंबर के हिसाब से कंप्रेसर कितने बटा का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके स्टिकर के ऊपर भी नंबर पंच है और बॉडी के ऊपर भी नंबर पंच है। तो बॉडी के ऊपर दो तीन जगह पे नंबर पंच होता है, वो मैं आपको बताऊंगा पे किस किस जगह पे नंबर पंच होता है। तो आइए अब हम आपको इस सीरियल नंबर के बारे में बताते हैं। तो उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्टिकर के ऊपर ये जो नीचे नंबर है, एक यहाँ पंच होता है और ये एक ऊपर नंबर होता है। तो इसका जो 6/80/6/60 ये नंबर है 1/5 का कंप्रेसर का, ये सीरियल नंबर है 1/5 का। तो यहाँ पर लिखा है FR7.5G। तो जो 7.5 का कंप्रेसर होता है ये सीरियल भी 1/5 की है। तो उसके बाद यहाँ बॉडी के ऊपर भी नंबर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पंच है। आपने देखना होता है कि जो ऊपर वाली लाइन वाला नंबर होता है ये आपने देखना, नीचे वाली लाइन वाला नंबर नहीं आपने देखना, आपने ऊपर वाली लाइन वाला नंबर देखना है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं लिखा है 7.5A। तो ये सीरियल 1/5 की है और आगे लिखा है 27/2714। तो ये भी 1/5 की सीरियल है। तो इसके बाद जो नंबर बॉडी के ऊपर पंच होता है, यहाँ पर नंबर पंच होता है ये सिंगल पाइप वाली साइड पे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ दो सीरियल पंच हैं, यहाँ भी दो सीरियल पंच होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो अगर यहाँ पर नंबर पंच नहीं तो आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर नंबर पंच होता है, इस जगह पे नहीं पंच तो इधर पंच होगा। तो ये होगी सीरियल 1/5 की। तो अब हम आपको बताते हैं इसके अलावा जो सीरियल नंबर होती है वो कौन कौन सी होती है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं 1/5 की जो सीरियल है वो है, शॉर्ट फॉर्म में आता है 7.5। तो इसी तरह 1/4 में आता है 8.5। तो 1/3 में आता है शॉर्ट फॉर्म में 10B। तो इसमें एक नंबर और होगा, वो होगा 11G। तो ये 1/3 की सीरियल है शॉर्ट फॉर्म में जो आती है, 10B 1/3 का कंप्रेसर है और इसमें 11G जो होता है वो भी 1/3 का कंप्रेसर होता है। तो इसी तरह से 1/4 का कंप्रेसर है 8.5, ये 1/4 का कंप्रेसर है। तो इसी तरह से 1/5 7.5 1/5 का कंप्रेसर है। तो इसके बाद एक सीरियल और आती है 1/6, तो इसमें आता है 6F। तो इसी तरह से ये जो 6F है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पर
7.5 जहां लिखा है यहां 6F लिखा होगा, 6 तो वो 6 का कंप्रेसर होता है। 6 का जो कंप्रेसर है ये 5 से छोटा होता है और 16 से बड़ा होता है। तो इसके बाद आते हैं इसकी दूसरी सीरियल, जो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाली सीरियल है ये कौन कौन सी आती है। तो 1/5 में आती है 2754, ये 1/5 में सीरियल आ गई। ये जो आखिरी दो हिंसे होते हैं ये ऊपर नीचे भी हो जाए तो इनका कोई मसला नहीं। आपने सिर्फ यहाँ देखना कि जो फर्स्ट दो हिंसे हैं ये 27 होना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो 1/4 का कंप्रेसर है 8.5, इसमें आता है 2854। तो इसी तरह से ये जो यहाँ भी 54 है और यहाँ भी 54 है, लेकिन यहाँ 27 है तो यहाँ 28। तो 28 का मतलब है कि 1/4 का कंप्रेसर है। 28 54 27 54 1/5 का हो गया और 28 54 1/4 का। तो जो 1/3 का कंप्रेसर है इसमें जो नंबर आता है वो आता है 29 54। तो इसी तरह से जो एंड वाले हिंसे हैं ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये 64 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है। तो ये आपने इस पे फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है जो फर्स्ट वाले दो हिंसे हैं ये 29 28 27। तो ये तो हो गया एक सीरियल नंबर। और इसके बाद 1/5 में सीरियल आती है 6880 और 1/4 में सीरियल आती है 6780 और उसके बाद 1/3 में सीरियल आती है 6980 और इसके बाद आती है 1/3 में ही 6880। तो इसी तरह से जिस तरह यहाँ 1/5 में 27 28 29, इसी तरह से ये भी सीरियल ऐसी है 6880 1/5 का और 6780 1/4 का कंप्रेसर है और 1/3 का कंप्रेसर है 6980 और 6880, ये 1/3 की सीरियल है। तो ये जो 166 की सीरियल आती है ये सिर्फ एक ही सीरियल आती है 2670। तो ये 166 में 2670 ये एक ही सीरियल आएगी। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि जो जैसे मैंने ये सीरियल आपको बताई हैं 6880 6780 6980 और 6880, ये जो सीरियल है ये यहाँ पर आती है, ये स्टिकर के जो नीचे सीरियल होती है। और उसके बाद ये जो 27 54 28 54 ये जिस कंप्रेसर के ऊपर भी सीरियल आती है ज़्यादातर ये यहाँ पर सीरियल आती है 27 14 यहाँ पर लिखा है, जैसे कि मैंने 27 54 लिखा है लेकिन यहाँ पर 27 14 है। लेकिन आपने ये 14 हो या 50 हो या 40 हो ये नहीं देखना, आपने यहाँ पर देखना है 27 है, 27 14 27 50, ये 1/5 की सीरियल आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर 28 आ जाएगा तो 28 14 हो या 28 50 हो या 28 40 हो तो ये 1/4 का कंप्रेसर होगा। तो यहाँ पर 8.5 आएगा, अगर यहाँ 28 आएगा तो यहाँ 8.5। तो इसी तरह से जो 1/3 का कंप्रेसर है उसके भी यहाँ 10B लिखा होगा और इसमें एक और सीलर आती है वो आती है 10A। जो 10A का कंप्रेसर है 10A इसमें 29 14, ये जो 10A वाला कंप्रेसर है ये है 1/4 का कंप्रेसर। और इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 10B जो कंप्रेसर है वो है 1/3 का, लेकिन
वहीं पे अगर ए आ जाएगा तो वो 1/4 का कंप्रेसर होगा, 10A, ये 1/4 का कंप्रेसर है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको मुकम्मल तफसील से बताया है कि इसका आपने सीरियल नंबर कैसे देखना है, आपको कैसे पता चलेगा ये 1/5 का कंप्रेसर है, 1/4 का, ये आप नोट कर लें और इसको अच्छे तरीके से समझ लें तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो बॉडी है इसमें कैपेसिटी का फ़र्क तो आता है, लेकिन इसकी बॉडी वाइज सेम साइज़ होता है। ये 1/5 की बॉडी भी सेम होगी, 1/4 की भी सेम होगी, और 1/3 की भी बॉडी ये सेम ही होगी। तो इसी तरह से आपने देखना है, अगर यहाँ पर नंबर पंच नहीं तो यहाँ पर पंच होगा, अगर यहाँ पर पंच नहीं तो यहाँ पर पंच होगा। तो गाइस, इसी तरह से आपने सीरियल नंबर को देखना है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको NL मॉडल के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद अकील को इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।